नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं, मैं हूं अजय। स्टेट क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि कैथल के छोटूराम चौक पर इस ढाबे पर बाल मजदूरी करवाई जा रही है, जिसके बाद से यहां छापा मारा गया और छापे में जो कुछ बरामद हुआ उनको, वो इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा नाम राजवीर सिंह है। आज क्या कार्रवाई की गई है यहाँ पे? हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने इन बच्चों को देखा और इन बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए आए हम, ताकि इन बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जा सके। यहाँ पे कितने बच्चे मतलब लेबर यहाँ पे अभी कितने? 6 बच्चे मिले हैं ना? चार बच्चे मिले अभी हमें, लेकिन इनकी अभी इनकी एज वेरिफिकेशन होनी बाकी है, क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। उसके बाद ही पता लगेगा कि ये चाइल्ड लेबर में है या नहीं है। अच्छा, ये मतलब कब से काम कर रही हैं यहाँ पे? अभी इनसे इसके बारे में बात करना बाकी है। अभी आपने यहाँ पे सिर्फ मतलब क्या क्या जानकारी जुटाई है यहाँ से? हमने जानकारी इतनी जुटाई है कि हम यहाँ पे आए हैं और बच्चों को हमने देखा है, जो हमें जानकारी मिली थी, कॉन्फिडेंशियल जानकारी थी वो, कि भी यहाँ पे ऐसे ऐसे चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है जिनको हमने अभी रेस्क्यू किया है। इन बच्चों से फिर बाद में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाकर इनसे बात की जाएगी। ये बच्चे कहाँ से हैं मतलब जो यहाँ पे कुछ से मतलब मैक्सिमम कहाँ कहाँ से बच्चे? ये मध्य प्रदेश से हैं, मैक्सिमम बच्चे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनके बता रहे हैं कि इनके गार्जियन या फिर इनके लॉफुल गार्जियन या लीगल गार्जियन है, वो यहाँ पे कैथल में रह रहे हैं। तो उसमें भी कार्रवाई है सर इसके अलावा? इनके अलावा हमारी रेड चलती रहती हैं, जहाँ पे भी हमें जानकारी मिलती है हम लोग पहुँचते हैं बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, ताकि उनको रिहैबिलिटेट किया जा सके। अगर चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आते तो हमारे पास लेबर इंस्पेक्टर हैं, लेबर इंस्पेक्टर इनकी कार्रवाई करते हैं, जिसमें उनको उनका चलान भी किया जाता है, फिर बच्चे को रेस्क्यू करके उनको रिहैबिलिटेशन के लिए हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में कोई भी उचित निर्णय ले सके बच्चों के लिए।